क्लास फर्स्ट, ओपन योर जीके बुक एंड ओपन योर कंटेंट्स। तो बच्चे अपना कंटेंट्स ओपन करके देख लेते हैं। तो हम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो इसमें हमने ब्यूटीफुल फ्लावर्स पढ़ लिया है एंड सेकेंड चैप्टर द एप्पल ट्री एंड द बर्ड हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इसके लिए आप पेज नंबर 8 को ओपन करिए, ये रहा। तो चैप्टर 3 हमारा है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल आप सभी जानते हो, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं पालतू जानवर जिनको हम अपने घर में पालते हैं। देखिए, द एनिमल्स दैट लिव विद अस और इन आवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक। जो जानवर जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे घरों में रहते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, यानी कि पालतू जानवर कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर आवर हेल्पर। तो जो पालतू जानवर होते हैं वो हमारे हेल्पर होते हैं, ये हमारी क्या करते हैं, बहुत प्रकार से सहायता करते हैं। दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स, ये हमारे बहुत प्रकार से लाभदायक हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों से हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब आपने पढ़ना है, आपके पास रीड द क्लूज एंड द नेम ऑफ द एनिमल्स। पहले आपको पढ़िए, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि किस एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। देखिए, इट फर्स्ट वाला है, इट गिव अस मिल्क, इट इज़ अ, ये हमें दूध देती है। ये क्या है, कौन देता है हमें दूध, काओ। तो हमने यहाँ पे लिखा COW, काओ, काओ लिखेंगे। सेकेंड, इट गिव अस एग, इट इज़ अ, ये हमको अंडे देती है। ये क्या है, अंडे कहाँ से मिलते हैं हमें, तो पिक्चर बन रखी है यहाँ, देखो हैन की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हैन। थर्ड में, इट गार्ड्स आवर हाउस, इट इज़ आ, ये हमारे घर की रक्षा करता है। ये क्या है, तो कौन करता है हमारे घर की रक्षा, डॉग, तो हमने यहाँ पे लिखा डॉग। फोर्थ, इट गिव अस वूल, इट इज़ आ, ये हमको ऊन देती है। तो ये क्या है, शिप। ठीक है, शिप से हमें ऊन मिलती है। अब है, इट गिव अस मिल्क एंड मीट, इट इज़ आ, ये हमको देता है दूध और इस मीट देता है ये हमको, तो वो है गोट, यानी कि बकरी। बकरी का हम दूध भी यूज़ करते हैं और इसकी मीट को भी यूज़ करते हैं। सिक्स्थ वाला, इट कैरीज आवर लोड, इट इज़, ये हमारे भार को उठाता है। जब हमारे पास भारी सामान हो जाता है तो ये हमारे भारी सामान को ले जाने में हमारी सहायता करता है। तो ये है डंकी, तो हमने यहाँ पर डंकी की स्पेलिंग लिख दी। सेवन्थ, इट कैरीज लोड एंड पीपल अक्रॉस द डेजर्ट, इट इज़, ये बाहर भी ले जाता है और लोगों को भी रेगिस्तान को, रेगिस्तान में जाने की मदद करता है। ठीक है, तो यह है कैमल, यानी कि ऊँट। तो आपको पता है ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, अब है एट्थ वाला, इट कैन बी यूज फॉर राइडिंग, इट इज़, ये राइडिंग का काम करती है, यानी कि सवारी हम करते हैं। तो सवारी किस में करते हैं, हम हॉर्स में, किसकी सवारी करते हैं, हम हॉर्स में। ये डंकी यहाँ था, ये हॉर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यूज़ कर लिए है, यहाँ पे क्लूज देख के, पिक्चर देख के हमने यूज़ कर लिए। इन्फो कॉर्नर में क्या है आपके पास, डॉग कीप्स इट्स टंग आउट ड्यूरिंग समर सीजन टू कीप इट्सेल्फ कूल। अब कुत्ते देखो गर्मियों में अपनी जीभ बाहर निकाल के रखते हैं, देखा होगा आपने, आप देखेंगे आपके पास कुत्ते होंगे आसपास, तो अपने टंग को, जीभ को बाहर निकाल के रखते हैं। कब, समर सीज़न में, यानी कि गर्मियों के सीज़न में। क्यों, क्योंकि वो इससे अपने आप को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। ठीक है, ये उनको मदद करती है उनको ठंडा रहने के लिए। तो बच्चे ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, यानी कि हम इनको अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो। तो आज आप ओनली इसे बुक में ही फिल करिए, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।